हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली की ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? जो भगवान जगन्नाथ की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ। इसे तो काम बहुत रह जाता है, सुबह इतना काम है, आज बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे काम करते करते लेट हो गया। जल्दी से मुझे अभी किचन में घुसना है, किचन में घुसने के बाद और भी काम है, और भी है बगल में और भी काम है। तो और क्या क्या काम करूँगी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा। और फ्रेंड जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं सब्सक्राइब कीजिए, जब ना मैं न्यू न्यू वीडियो डालूँगी तब तो आप लोग के पास पहुँच जाएगा, और घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए मैं किचन में घुस गई हूँ, किचन का काम बहुत है अभी। तो देखिए दूध तो मैं छान रही थी छन्नी से, और दूध को भी बिठा दी हूँ गैस पर। और सुबह का टाइम काम बहुत हो जाता है ना, सुबह में नहाने से पहले ही वो वगैरह कर लेती हूँ, तो उस टाइम तो सूट नहीं करी। ये देखिए भिंडी भाजी हो रहा था, उस टाइम सूट करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। और जो मेरे ब्लॉग देखे हैं तो मैं मेरे फैमिली में कौन कौन है पता है। और देखिए भाजी तो बन रहा था, उसमें हल्दी वगैरह वो दे रही थी। मैं जब भी बनाती हूँ बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, और जो रेगुलर खाने में मैं एकदम से सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली वाला फूड नहीं खाते हैं। और अभी तो बेटी की चल रहा है ना हमारा डाइटिंग, तो डाइटिंग की वजह से एकदम से बहुत कम ऑयल में ही जो कुछ करना है मैं कर लेती हूँ। तो पहले मैं क्या करती, क्यों किचन में घुस जाती हूँ, तो जो किचन का काम हो, जो खाना बनाना हो जाता है ना, एकदम से दूसरे काम करोगे, पहले खाना बन जाएगा और काम करने के बाद आकर खाना बनाओ, बहुत मुश्किल, बहुत ही परेशानी होता है। और बेटी ही बना रही थी अपने के लिए जो नाश्ता, तो मेरे लिए भी बना दी थी। ये ना मैं मिक्स वेज बनाने के लिए प्याज लहसुन और अदरक और टमाटर वगैरह काट के उसको ग्राइंड करने के लिए दे रही हूँ। आजकल का ग्राइंडर हो गया तो हम लोगों का बहुत ही इजी हो जाता है, नहीं तो पहले सिलबट्टे से होता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, इधर का काम कर दोगे इधर उधर उधर का करोगे तो सिलबट्टा में पीसने से थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। और बिजी पर्सन जो तो उसके लिए तो बहुत ही परेशानी होता है। मैं क्या करती हूँ ना, बहुत ही लेट हो गया था तो मैं क्या करती हूँ, जो प्रेशर कुकर में ही बना रही थी मिक्स वेज, और मुझे इजी भी लगता है। और तो मैं, हमारा तो यहाँ उड़ीसा में चावल ही खाते हैं, आप लोग को पता है, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता है। और मैं और क्या करूँ, जो मिक्स वेज तो बना दी हूँ, मिक्स वेज बनाने के बाद ही मैं ऐसे करी हूँ, जो कपड़े को भी नहीं सुखाई थी उस टाइम, क्योंकि टाइम लेट हो गया था ना इसीलिए, और ऐसे ही रख दी थी जो तार में। तो उसके बाद मैं सुखाने के लिए गई, बेटी जा रही थी जो हमारा कड़ी पत्ता लेने के लिए, मेरे हमारे बागान में ही कड़ी पत्ता है तो वो जा रही थी। और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं अब आपकी बागान में हरियाली अच्छा है, हरियाली अच्छा है, तो हाँ सही से हरियाली तो अच्छा है, हम लोगों का आदत हो गया है, हमको कुछ नहीं लग रहा है। आप बोल रहे थे सांप वगैरह इसी के लिए हमको डर लगेगा, ऐसे बोल रहे थे। हाँ जी वो तो आते ही है ना, लेकिन उसके लिए भी क्या करें, बागान है तो करना भी पड़ता है, जो हम विलेज स्टाइल का है मतलब सारी तरफ दिखना पड़ता है। अनुपमा सी से बोले थे मुझे शायद, हाँ सी से आते तो हैं लेकिन डर भी लगता है, किसको नहीं डर लगता है, वो जो जीव के जीव जंतु को। तो ये देखिए मैं एक ब्लाउज सिलाई कर रही थी उसी टाइम, मतलब मुझे टाइम निकाल कर कहीं भी कम, मतलब 5-10 मिनट के लिए भी इधर उधर का काम खत्म करने के बाद मैं चल जाती हूँ सिलाई करने के लिए। एक साइड ब्लाउज है, बहुत सारे अभी ब्लाउज है और ब्लाउज को सिलाई करना है। तो देखिए वो पीछे पार्ट वाला मैं उसको लगा रही थी, जो अस्त्र लगा रही थी, और लगाने के बाद उसको कटिंग करने के लिए वो कर रही थी। तो बोल रहे थे, और मेरे विनीता सी से बोल रही थी आप तो साड़ी में हो, मैं तो मर जाऊंगी, ऐसे बोल रहे थे। क्या करें सीजी, हमारे यहाँ उड़ीसा में सब साड़ी ही पहनते हैं, तो हम तो ससुराल के, मैं जहाँ रहती हूँ ना वो ससुराल का यहाँ है,
यहाँ से हमारे सब चाचा ससुर गांव में सब हैं, तो मैं साड़ी ने पहले से ही, मैं शादी के बाद ही साड़ी ही हम पहनते हैं। तो हम अभी मैं मैक्सी पहन कर घूमूंगी तो अच्छा नहीं होगा, और भी मैं ऊपर से मैं शॉप जाती हूँ तो साड़ी पहनना मुझे पड़ता है। घर में रुकती तो मैं मैक्सी भी पहन लेती हूँ, ऐसे तो मैं सुबह रात को मैं आकर मैक्सी पहन लेती हूँ, और सुबह तक तो जो नहाने के बाद ही मैं फिर से साड़ी पहन लेती हूँ। और वो बोल रहे थे आप मैक्सी पहन कर काम करना बहुत आसान है, क्या करें सी, हमारा आदत हो गया है साड़ी के, शादी के बाद ही हमारा आदत हो गया ना, नहीं तो हम भी पहले जब ड्रेस वगैरह पहनते थे साड़ी नहीं पहनते थे, बाद में ससुराल में आकर सब कुछ आदत चेंज करना पड़ता है, सब कुछ एडजस्ट में चलना पड़ता है सबको, हमको तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन आजकल का सब चेंज हो गया ना, पहले से हम पहने हैं तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, जब मेरे चाचा ससुर वगैरह सब आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें हमको पहनना होगा। और भावना सी मुझे बोल रही थी आप तो ऑलराउंडर है, क्या करें भावना सी, सिचुएशन ही हमको ऑलराउंडर बना देती है, हमारा तो किस्मत इतना भी चमका हुआ है नहीं कि हम वो नहीं करेंगे, हमको सिचुएशन ही ऐसा कर देता है, सारे काम सीखना पड़ता है, सारे बागान का काम, घर का काम, कुछ अपने के काम, सब कुछ देखना भी पड़ता है, क्या करें सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है, क्या बोले। और जो हमारे ब्लॉग विथ मी सीस, आज मैं बहुत सारे ब्लॉगर के बारे में बोल रही हूँ, ब्लॉग विथ मी सीस मुब्बा सीस, आपका ब्लॉग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में आप भी मेहनती है बहुत, मैं भी मेहनती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है काम करने के लिए, हम क्या डाइटिंग करेंगे या क्या एक्सरसाइज करेंगे, हमारा जो मेहनत ही हमारा हमको अच्छा बना देती है, ऐसा है तो मेहनत भी करना हम लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं। और चल ये देखिए मेरा जो ब्लाउज को पार्ट में उसको कट कर दी हूँ, ऐसा कर रही हूँ तो क्या हो रहा है आजकल, दिक्कत भी हो रहा है बीच बीच में, मैं क्या बोलूँ, तो ऐसा मैं ब्लाउज को, वो ब्लाउज को कितने दिन में सिलाई करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, देखती हूँ, पता नहीं मुझे कितने दिन लग जाएगा, आज मैं ख़त्म करने वाली थी लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, सुबह का टाइम थोड़ा सा सिलाई कर दी हूँ, उसके बाद ये देखिए मैं शॉप जा रही थी, और जो मेरे फ्रेंड्स है जो ओल्ड है उनको पता है मैं कहाँ जाती हूँ, और जो न्यू है उनको पता नहीं मैं कहाँ जाती हूँ, तो मेरा शॉप है, मैं शॉप जाती हूँ मुझे जल्दी काम ख़त्म करने के बाद, और बागान का भी काम, तो उसके बाद मैं क्या करनी है, नाश्ता जो खाना तो हम खाएं, उसके बाद शाम को मैं चाय पी रही थी, चाय पीने के बाद जो हमारा पोटिको है, पोटिको में थोड़ा जो बारिश भी हुआ था, ढाई बजे बारिश हुआ तो इधर पानी भी थोड़ा रह गया था, तो उसको मैं झाड़ू कर रही थी, चाय पीने के बाद थोड़ा चाय पियूंगी तो थोड़ा सा, शाम को 4 बजे चाय पियूंगी तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है ना, उसके बाद काम करने में आसानी होता है, तो मैं देखिए झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने के बाद ही मैं ये जो हमारा बैंगन का पौधा है, और इधर मैं बैंगन का पौधा और मिर्ची के पौधा लगाई हूँ, मैं बोली थी ना पिछले ब्लॉग में मैं धीरे धीरे से ऐसे मैं करूँगी, तो मेरे ब्लॉग में जो होता है मैं जो कुछ करती हूँ वही वाला मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वो मेरा वो जो रेगुलर का काम है वो मेरे पार्ट है, मैं जो जो मैं करती हूँ वही मेरे वीडियो की पार्ट में आता है। तो देखिए इधर मैं क्या करें ना, अदरक मैं लगा दी हूँ, अदरक भी उगेगा, तो ये देखिए घास भी हो गया बहुत, अभी तो हम हर डे हमारा यहाँ बारिश हो रहा है, तो ये सब साफ नहीं करूँगी तो एकदम से जंगल हो जाएगा, जंगल हो जाएगा तो और क्या होता है आप जानते हो, स्नेक वगैरह आएंगे तो डर लगेगा, तो मैं देखिए धीरे धीरे से करती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है मैं क्या करूँ, और दिन में जो दोपहर को मैं काम करने क्या करूँगी, इतना ही गर्म धूप होता है उस टाइम काम करने को भी मन नहीं करता है, सुबह का टाइम और शाम का टाइम थोड़ा बहुत काम करने का मन करता है, तो वो शाम को इधर तो अभी मच्छर भी आ रहा है तो मच्छर भी काटते हैं, क्या करेंगे, फिर भी हम लोगों को ये सब तो करना पड़ेगा, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना मच्छर वगैरह नहीं होगा, और जो जीव जंतु वो जो स्नेक वगैरह वो जो भी नहीं आएंगे, तो ये तो खुदाई भी हुआ था, और भी मैं जो हमारा मिर्ची का जो पौधा मैं बीज को बो दी हूँ वो भी हो गया, इधर लगाना है क्या,
करूँगी, बहुत सारा काम है, कर लेते हैं हम, वैसे ही कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत भी नहीं होता है, लेकिन टाइम मुझे थोड़ा मिलना भी चाहिए, टाइम मिलेगा तो वो सब मैं कर दूँगी। एकदम से डे भर मैं नहीं कर पाऊँगी, धीरे धीरे से ऐसे आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा लगभग मैं कर लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, उसे ज़्यादा करूँगी तो मेरा भी कमर दर्द हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।